इस विधानसभा चुनाव में डुमरी का मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि डुमरी सीट हमेशा से झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है, पर इस बार खतियान आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले जयराम महतो खुद डुमरी से चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां उनका मुकाबला टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी और आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी की बजाय किसी दूसरे से होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सबसे पहले जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि नवरात्रा के मौके पर आजसू पार्टी और जेडीयू के साथ तालमेल के साथ ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में जयराम ने बाजी मार ली। इस लिस्ट में जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो का भी नाम शामिल है। इसी नाम ने डुमरी विधानसभा का पूरा रुख बदल कर रखा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों इस विधानसभा में अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए सोच में पड़ गए हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि इस बार बेबी देवी की जगह उनके बेटे राजू महतो को इंडिया गठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाए, तो वहीं आजसू की प्रत्याशी रही यशोदा देवी की जगह किसी दूसरे युवा चेहरा को उतारने की चर्चा चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयराम के साथ युवाओं की भीड़ चलती है और इसी युवा मतदाता को साधने के लिए सभी पार्टी सोच में पड़ी हुई है, क्योंकि इन पार्टियों की एक गलती जयराम को जीत के शिखर तक पहुंचा सकती है। उसी के साथ डुमरी का पूरा खेल इन 32% महतो वोटरों पर निर्भर करेगा, क्योंकि डुमरी विधानसभा सीट कुर्मी बहुल मतदाता वाला सीट है। यही वजह है कि जयराम महतो ने डुमरी पर दाव खेला है। इस सीट पर करीबन 90,000 से भी अधिक करीबन 32% महतो वोटर है, जो अब तक पिछले 20 सालों से जगन्नाथ महतो को वोट देते आ रहे हैं। एक बड़ा वोट बैंक जगन्नाथ महतो के साथ रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके निधन के बाद भी कुर्मी वोटरों में बिखराव नहीं हुआ। उनकी पत्नी बेबी देवी जब मैदान पर उतरी, उनके साथ भी कुर्मी वोटर उतनी ही मुस्तैदी के साथ खड़े रहे जितने जगन्नाथ महतो के साथ रहते थे। ऐसी स्थिति में जयराम की मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है, मगर इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से जयराम महतो 347,322 वोट लाकर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसी परिणाम को देखकर झारखंड में नए टाइगर बने जयराम महतो का डर सभी को सता रहा है। लेकिन इसी के साथ आपको डुमरी में हुए पिछले चुनावी परिणामों को जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी चुनावी परिणाम से आगे की रणनीति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद 2023 में डुमरी में हुए उपचुनाव की। इस चुनाव में जेएमएम की टिकट पर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ी और 1,317 वोटों के साथ चुनाव जीत गई। तो वहीं दूसरे नंबर पर यशोदा देवी थी, जो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ी और 83,164 वोट लाने में कामयाब रही। वहीं इसके बाद अगर 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें, तो इस चुनाव में जेएमएम के टिकट पर जगन्नाथ महतो चुनाव लड़े थे और 71,128 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं दूसरे नंबर पर आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली यशोदा देवी रही थी, जिन्हें 36,840 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा के प्रदीप कुमार साहू रहे थे, जिन्हें 36,013 वोट मिले थे। 2014 का चुनाव परिणाम भी जेएमएम के पक्ष में ही आया था। इस चुनाव में जेएमएम के टिकट पर जगन्नाथ महतो चुनाव लड़े थे और 77,984 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के लालचंद महतो रहे थे, जिन्हें 45,503 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अब्दुल मोबिन रिजवी रहे थे, जिन्हें 16,730 वोट मिले थे। और वहीं बाबूलाल मरांडी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले प्रदीप कुमार साहू चौथे नंबर पर रहे थे, जिन्हें 9,432 वोट मिले थे। 2009 का चुनावी परिणाम भी जेएमएम के पक्ष में आया था। इस चुनाव में झामुमो की टिकट पर जगन्नाथ महतो चुनाव लड़े और 33,960 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू के दामोदर प्रसाद महतो रहे थे, जिन्हें 20,292 वोट मिले थे। तो वहीं इस चुनाव में लालचंद महतो निर्दलीय चुनाव लड़कर 19,084 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे।
इस चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना खराब था कि इस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वाल्की प्रसाद महतो 2778 वोटों में ही सिमट कर रह गए थे। और इसी 2009 के विधानसभा चुनाव में आजसू मात्र 1260 वोट ही ला पाई थी। 2005 का चुनावी परिणाम जेएमएम के पक्ष में ही आया था। इसी चुनाव के जीतने के बाद जेएमएम कभी चुनाव नहीं हारा। इस चुनाव में जेएमएम के टिकट पर जगन्नाथ महतो चुनाव लड़े और 41,784 वोटों के साथ पहली बार जीत दर्ज किए। तो वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी के लालचंद महतो रहे थे, जिन्हें 23,774 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर जेडीयू के दामोदर प्रसाद महतो थे, जिन्हें 16,971 वोट मिले थे। 2005 के चुनाव में भी आजसू की स्थिति बेहद खराब थी। इस चुनाव में आजसू के उम्मीदवार बैजनाथ महतो को मात्र 2487 वोट मिले थे। इसके बाद आता है 2000 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव का परिणाम जेडीयू के पक्ष में आया। इस चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लालचंद महतो चुनाव लड़े और 28,087 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं दूसरे नंबर पर जगन्नाथ महतो रहे थे, जो समानता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जिन्हें 21,362 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी, जिसके टिकट पर मसूद आलम चुनाव लड़े, जो 14,498 वोट लाने में सफल रहे थे। चुनावी परिणामों को देखकर एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि यहां स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जनाधार मजबूत रहा है। लोगों ने उन्हीं के सहानुभूति के नाम पर बेबी देवी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया, पर बेबी देवी से लोगों की जो आशाएं थी वह लोगों की पूरी नहीं हो पाई। इसी कारण से डुमरी के धरातल पर बेबी देवी की हवाएं दूसरी ओर करवट लेती नजर आ रही। ऐसे में अगर जयराम इन हवाओं को अपनी ओर मोड़ लेता है तो जयराम की जीत लगभग 50% तय हो जाएगी। बाकी बचा 50% आजसू पर निर्भर करता है, क्योंकि इस बार आजसू भी डुमरी को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। ऐसे में अगर जयराम आजसू के वोट बैंक में सिंधमारी कर लेता है तो फिर जयराम को जीतने से शायद कोई नहीं रोक सकता। पर राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और यह संभावनाएं बदलती रहती है। लेकिन इसी बदलती संभावना को लेकर आप क्या सोचते हैं? डुमरी में इस बार किसकी जीत की संभावना है, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।